आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैथ के साइन लगाना। देखिए अक्सर विद्यार्थी जो होते हैं वो जोर जोर में घटाव गुणा में चिन्ह में गलती कर लेते कि कैसे उसका चिन्ह होगा और चिन्ह की वजह से उसका पूरा सॉल्यूशन गलती हो जाता है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको यही कंफ्यूजन जो है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। इस कंफ्यूजन का सोल्यूशन लेकर आए, जैसे कि आपको प्लस की अगर प्लस में जोड़ना है तो क्या होगा, प्लस को प्लस में गुना करना तो क्या होगा, प्लस को प्लस में से घटाएंगे तो क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन है। जैसे पहला नंबर है कि प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल मान लीजिए कि तीन प्लस में है, ठीक है, अगर इसके पहले कोई भी साइन नहीं लगा इसका मतलब प्लस होता है, तो तीन प्लस में इसको अगर हम तीन से गुना करते हैं तो मान लीजिए कितना हो जाएगा, तो तीन प्लस में है इसी को हम तीन से गुना कर दें तो नौ हो जाएगा, क्लियर। अगर इसके पहले देखिए कोई भी चिन्ह नहीं है इसका मतलब प्लस होता है, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कि प्लस तीन है और गुने में हम प्लस पांच ले लिए तो इसको क्या हो जाएगा, तो प्लस में पंद्रह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा में चलते हैं कि माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो इसका आंसर प्लस में आएगा, ठीक है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि माइनस तीन गुने क्या हो गया, माइनस पांच हो गया, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और तीन पचे पंद्रह यानी इसका आंसर प्लस पंद्रह आया, आप प्लस पंद्रह को सीधे पंद्रह भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, माइनस है प्लस है, एग्जाम्पल में देखिए कि माइनस में जैसे एग्जाम्पल हमारा मान लीजिए माइनस दो है गुने हो गया चार, इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए माइनस दो है चार से गुना करेंगे तो माइनस प्लस इसका आंसर आएगा माइनस दो चौका आठ, माइनस आठ इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है चौथा क्वेश्चन है वो प्लस गुने माइनस है, प्लस जो कला वाला देख रहे गुना का जोर का घटाव का चिन्ह है तो प्लस के माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं दो गुने माइनस तीन, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो प्लस गुने माइनस करें तब या माइनस गुने प्लस करें तब उसका आंसर माइनस में आंसर आता है, तो दो तिहाई छ, दो तिहाई छ प्लस माइनस माइनस इसका आंसर माइनस में आएगा। अगला देखिए पांचवा नंबर है कि प्लस को प्लस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे दो गो है प्लस में तीन है तो इसका आंसर क्या होगा, तो दो प्लस तीन, तो ये तो आप बहुत इजी तरीके से जानते हैं, ठीक है, लेकिन गलती यहां पर हो जाता है, ठीक है। इसी में अगर आपको रहेगा जैसे कि एक्स है प्लस में वाई है तो एक्स प्लस वही रह जाएगा ना, लेकिन इसमें क्या होता है प्रोसेस में यहां पर गलती हो जाता है, मान लीजिए कि यहां पर रहेगा सीधे टू एक्स प्लस में थ्री एक्स, तो यहां पर क्या लिखिएगा फाइव एक्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए माइनस है, माइनस में जोड़ना है, तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल में ले लिए यहां पर जो है माइनस दो प्लस कर दिए फिर लिख दिए माइनस तीन, तो यहां पर आंसर इसका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका आंसर हमारा माइनस में रह जाएगा और दो और तीन पांच, पांच हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए यहां पर छठा है कि माइनस को अगर हम प्लस के साथ जोड़ते तो क्या होता, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि देखना है कि माइनस वाला का मान ज्यादा है तो आंसर उसका माइनस में जाएगा, प्लस वाला का मान ज्यादा है तो आंसर उसका प्लस में जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम यहां पर आपको हम बता देते हैं ऊपर करके थोड़ा बीजी तरीके से, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को ऊपर में बता देंगे, जैसे कि यहां पर माइनस प्लस है तो देखिए हम इसको दो तरीके से बताएंगे, इसीलिए हम ऊपर ले लिए। जैसे मान लीजिए कि माइनस चार है प्लस में दो है तो इसका आंसर कितना लिखिएगा, तो देखिए इसमें चिन्ह को हटा दीजिए, बाद में चार और दो में बड़का कौन है चार है, तो चार में से दो को घटा देंगे, चार में से दो गया तो दो घटाए के एकरा में से माइनस में से तो माइनस। अब इसी में मान लीजिए कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपका कि मान लीजिए कि माइनस दो और प्लस चार है, तब इसमें से क्या कीजिएगा, चार यहां पर इधर है तो चार में से दो घटाएंगे तो दो और प्लस में से घटा तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए, प्लस दो को हम सीधे दो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो ये क्लियर हो गया आपका। अब सातवां नंबर का हम देखते हैं, सातवां नंबर जो हमारा है कि प्लस है माइनस है, तो ये प्लस माइनस वाला यही होता है। इसमें भी मान लीजिए कि हमारा है आठ है प्लस में, प्लस आठ है और फिर हम उसको घटाना है माइनस तीन के, माइनस तीन के, तो कितना आंसर आएगा, तो देखिए आठ क्या है हमारा प्लस है, शुरू में प्लस का साइन नहीं लिखाता है, तो आठ में से तीन जाएगा तो पांच, किसमें से घटा आठ में से, आठ के पहले कोई साइन है नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से हम आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इसी का हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको रहेगा माइनस चार रहेगा उसी में माइनस माइनस चार रहेगा माइनस आठ, तो इसमें क्या कीजिएगा, तो माइनस चार प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, प्लस माइनस 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 आठ, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस बारह, ठीक है।
तो इस तरह के जो साइन होते हैं वो मैथ में बहुत इजी तरीके से आप लगा सकते हैं। आपको जो है मैथ का साइन अगर सही रहेगा तो आपका पूरा सॉल्यूशन सही जाएगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा माइनस प्लस का तो पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।